얼굴. पागल ले ले, सैनिटाइजर ले ले। हाँ ले। कट्टा था क्या था ये? ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। आज की ब्रेकिंग न्यूज, कोरोना की वजह से महिलाएं नहीं हो पा रही इकट्ठा, चुगली में आई भारी गिरावट। जैसे कोरोना वायरस थमेगा ना, हम सीधा चाइना जाएंगे। काहे के लिए? उन लोगों को ही बताने कि भैया कीड़ा पिल्लू अमगादर चमगादर नहीं खाओ, भात दाल सब्जी खाओ। कोरोना 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 सुन ले, दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है हम लोगों को। आज की ब्रेकिंग न्यूज, कोरोना की वजह से महिलाएं नहीं हो पा रही इकट्ठा, चुगली में आई भारी गिरावट। जैसे कोरोना वायरस थमेगा ना, हम सीधा चाइना जाएंगे। काहे के लिए? उन लोगों को ही बताने कि भैया कीड़ा पिल्लू अमगादर चमगादर नहीं खाओ, भात दाल सब्जी खाओ। नमस्ते, जैसा कि आप सब लोग देख रहे हो, इंडिया में COVID-19 कोरोना वायरस से केसेस कितने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जिसको कंट्रोल करने के लिए WHO और इंडियन गवर्नमेंट ने 2-4 गाइडलाइंस ही दी है, जिनको अभी भी लोग अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे हैं। मैंने खुद देखा है, मुझे लगता है आप सब लोगों को ये चीज एक बार फिर से बताने की जरूरत है, जिसमें से फर्स्ट है आप लोगों को मास्क वेयर करना है। आप कहीं भी बाहर जा रहे हो, मास्क वेयर करो, सैनिटाइजर यूज करो, और जितना हो सके आप उतनी बार अपने हैंड वॉश करो, हैंड वॉशेस बहुत बार करने हैं। सेकेंड है सोशल डिस्टेंसिंग, इसका मतलब आपको कहीं किसी पार्टीज, फंक्शंस, मैरिजेस कहीं कुछ मत करो, बाहर घूमना बंद कर दो, जितना हो सके घर में रहो, और अगर आप कहीं बाहर जाते भी हो तो आप और दूसरे बंदे के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। और थर्ड, अब आपको घर में ही रहना है, अपने आप को हाउस अरेस्ट कर लीजिए, और अगर बहुत ज़रूरी है, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है, मेडिकल इश्यूज है, तभी आप बाहर जाओ, घर पे रहो, तभी सेफ रहोगे, और अगर से बच पाओगे। आपको थोड़े भी सिम्टम्स दिख रहे हैं तो प्लीज़ उससे भागो मत, भागने से कुछ नहीं होगा। आप लोग प्लीज़ हॉस्पिटल जाओ, अपना चेकअप कराओ, तभी आप सेफ रह सकते। ओ भाई सुनते जाओ, अगर आप अभी अपने घर नहीं बैठे ना, तो 12 दिन तक लोग आपके घर बैठने आएंगे और कहेंगे आदमी तो बड़ा अच्छा था यार, लेकिन किसी की सुनता नहीं। भाई आपका टाइम कैसे निकल रहा है यार घर में? पर अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। इसकी दवा इसकी दवा कुछ नहीं, अब होगा क्या? कोरोना वायरस कहाँ से आया है? चाइना से। क्यों आया है? मुझे नहीं पता है, मेरा रिश्तेदार थोड़ी है। और वो वाला मास्क पहन लो, ये वाला मास्क, ये वाला पहन लो, ये क्या है मालूम है? इसे ना हाथ पे हाथ धोने का, मतलब हाथ पे खाली डाल के हाथ, और ये लो। और यहाँ पे क्यों बैठे तुम? मैं भी खोया हूँ, मुझे घर बुलाता है, भगवान है कहाँ रे तू।
अगर हम लोगों को ऐसा लगता है कि अमेरिका, चाइना या साउथ कोरिया जैसे विकसित देश ही कोरोना वायरस की वैक्सीन बना सकते हैं या फिर उसकी टेस्टिंग किट बना के लोगों को सप्लाई कर सकते हैं और हमारे रिसर्चर हाथ पे हाथ धरे बैठ के सिर्फ उसका इंतजार कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों को आज एक ऐसी खबर बताता हूं जिससे आपका सीना फक्र से चौड़ा हो जाएगा। जी हाँ गाइज, हमारे देश में हमारी मेडिकल संस्थाओं ने और हमारे रिसर्चर्स ने कोरोना वायरस की टेस्टिंग की किट बहुत ही सस्ते दामों पर बना भी ली है और मेडिकल अप्रूवल के बाद वो आप लोगों को अवेलेबल भी हो जाएगी। और इसके अलावा कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में भी हमारी रिसर्च काफी आगे जा चुकी है और हो सकता है इन फ्यूचर हम लोग उसकी वैक्सीन को विकसित भी कर लें। हमें सिर्फ घर बैठ के हमारे रिसर्चर्स, हमारे डॉक्टर्स का साथ देना है। सो स्टे एट होम, लेट्स फाइट अगेंस्ट कोरोना। ये वीडियो ना तो कोरोना के लिए, ना ही मजाक के लिए। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ पुलिस वालों और डॉक्टर के लिए। हम लोग तो अभी अपने परिवार के साथ बैठे, अपनी फैमिली के साथ बैठे और वो लोग अपनी जान पर खेलकर हमारी जान बचा रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, उनके साथ ही झगड़ा करते हैं, उनके साथ ही बहस कर रहे हैं। यार कुछ तो शर्म कर लो, जो अपनी जान पर खेल के हमारी जान बचा रहे और हम उनके साथ ही झगड़ा कर रहे हैं। ये वेकेशन नहीं चल रहा जो आप लोग ऐसे घूम रहे हो। सो गाइस प्लीज उनका साथ दो क्योंकि वो हमारा साथ दे रहे। थैंक यू। मतलब कुछ लोग यार देख लो हवन करवा रहे हैं, अबे क्या भूत है वो। अभी चार लौंडे खड़े हो के गो कोरोना का नारा लगा रहे, क्या तेरी मौसी का लौंडा है कोरोना? बीमारी है वो। इधर अभी कोरोना बीमारी की टेंशन खत्म नहीं हुई कि उधर लोग कह रहे हैं कि उल्का पिंड दुगनी स्पीड से धरती के तरफ आ रहा है। हे भगवान, अब क्या निपटा के मानोगे पबजी खेलने? रोजेज आर रेड, वॉयलेट आर ब्लू, घर बैठ वरना मर जाएगा तू। ये बार बार खाली साबुन से हाथ धोने से तो अच्छा है साथ में दो दो बर्तन भी धो दिया करो। तो बाहर जाओ तो ये वायरस कोरोना, ऑफिस जाओ तो टारगेट पूरा कोरोना, और घर रहो तो ये कोरोना और वो कोरोना, क्या क्या कोरोना। भाई साहब कोरोना वायरस कहाँ तक आ गया बताइए। ओ तेरी के आलिया रे, भग भग भग।